किस पुलिस ने किस आधार पर बढ़ाया, उसमें एल्विश की क्या भूमिका है? देखिए, एल्विश की कोई भूमिका नहीं है। तो हे गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एलबीएस यादव की जो है कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, उसके बाद जो है कोर्ट का कोई अभी तक फैसला नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो है एलबीएस यादव के वकील ने क्या कहा, क्या हुआ एलबीएस यादव के साथ में एंड उन पे कौन कौन सी धारा लगाई गई, कौन कौन सी धारा हटाई गई, सारी चीजें जो है एलबीएस यादव के वकील ने एक इंटरव्यू में बताया। सो आप खुद ही से देखिए उन्होंने क्या कहा। एक एप्लीकेशन मूव की है कि कल पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, वो बढ़ाई गई है। तो क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में वो धाराएं पहले नहीं थी, बाद में बढ़ाई गई हैं, तो हमने अपनी बेल एप्लीकेशन में भी वो धाराएं बढ़ाए जाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। जिस तरीके से जो धाराएं बढ़ाई गई हैं वो कितनी चुनौतीपूर्ण है और कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं? देखिए, वकालत में हर चीज़ चुनौतीपूर्ण होती है। कोई भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी, सब चुनौतीपूर्ण होता है वकालत में। कौन सी धाराएं जो पुलिस ने प्रोसीड की थी बढ़ाने के लिए, वो कौन सी धाराएं? वो जो पुलिस ने एप्लीकेशन दी थी उनको बढ़ाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष दी गई थी, वो सेक्शन 22, सेक्शन 27, 27 ए, सेक्शन 29, 30, 32 एनडीपीएस एक्ट, इसके लिए दी गई थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो बढ़ाने का किया है उसको कहा है कि सेक्शन 22, सेक्शन 29, 30 और 32 बढ़ाया जाता है, और एक सेक्शन 20 जो पहले लिया गया उसको डिलीट कर दिया गया है। सर, बात करें तो इस पूरे केस में आप क्या वीकर पॉइंट देखते हैं और किन ग्राउंड्स पे आप बेल पर जा रहे हैं? देखिए, बेल तो ये है कि हमारा ग्राउंड्स तो ये है कि उसके कॉन्शियस पजेशन से कोई रिकवर नहीं है। पहले जो पकड़े गए थे जिनसे बरामद है वो एनडीपीएस एक्ट का सब्सटेंस, उनकी बेल हो चुकी है ऑनरेबल कोर्ट से, और हम उसी को आधार रखेंगे। जिस तरीके से एनडीपीएस बढ़ाया गया है तो क्या माना जाए कि किस पुलिस ने किस आधार पर बढ़ाया, उसमें एल्विश की क्या भूमिका है? देखिए, एल्विश की कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने जो राहुल एक सपेरा था उससे पहले स्नेक मैनम पकड़ा था, उसकी एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया एनडीपीएस एक्ट। एफएसएल रिपोर्ट क्या कहती है? आपने एफएसएल रिपोर्ट देखिए, एफएसएल रिपोर्ट हमें देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने जब अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा था तो उन्होंने कहा था कि इसमें मॉर्फिन के तत्व पाए जाते हैं जो एनडीपीएस एक्ट में कवर होता है।